हमारे पास संसाधन भी है। अगर हम आधी आबादी की एक बड़े तबके को जो कार्य चाहती है, अगर हम उन्हें रेशम उत्पादन के साथ जोड़ दें, प्रोसेसिंग के साथ जोड़ दें, रेडीमेड गारमेंट्स के साथ जोड़ दें, डिजाइनिंग के साथ जोड़ लें, मार्केटिंग के साथ जोड़ लें, पैकेजिंग के साथ जोड़ लें, तो आज दुनिया के अंदर रेडीमेड गारमेंट्स में जो छोटे छोटे देश आज अपनी धमक बनाए हुए हैं, उनका स्थान उत्तर प्रदेश और भारत ले सकता है। और इस संभावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने तमाम अन्य कदम उठाए हैं, उन कदमों को भी हम लोगों को देखना चाहिए, उसका लाभ भी हमें लेना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सिल्क एक्सपो अगले एक सप्ताह तक यहां पर चल करके रेशम क्षेत्र से जुड़े हुए विभिन्न योजनाओं के बारे में किसानों को, उद्यमियों को और अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स को इसके बारे में अवगत भी कराएगा, उनके महत्वपूर्ण सुझाव भी लेगा। रेशम उत्पादन के लिए हम और क्या कुछ कर सकते हैं, किस प्रकार का मैकेनिज्म हमें उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार करना है कि किसान इसके माध्यम से अधिक उत्पादन करके अधिक मुनाफा कमा सके, इसके लिए कौन से ऐसे प्रयास हो सकते हैं, उन प्रयासों को अगर हम लोग एक्सपो थोड़ी भी उसमें प्रयास कर सकेगा तो यह एक सार्थक दिशा में किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।